संदेश खाली सुप्रीम कोर्ट में सीबीआई इंक्वायरी दिया। सीबीआई ने हमसे नेमुनेशन भी बरामद किया है संदेश खाली। मेरा ये प्रश्न है, जब सीबीआई इंक्वायरी चल रहा है, सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट उनका ऊपर संज्ञान लेके बैठा हुआ है, तब आप क्यों इन्वेस्टिगेशन को टेम्परिंग कर रहा है? ये कोई बंगाल को बदनामी करने का काम नहीं है, बंगाल का माता और बहनों को न्याय दिलाने का काम है। स्टिंग ऑपरेशन को लेकर क्या कहेंगे? आप क्यों स्टिंग ऑपरेशन कर रहा है? जब सीबीआई अपना काम कर रहा है, हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट में पिटीशन पड़ा हुआ है, आप स्टिंग ऑपरेशन क्यों कर रहे हैं? कारण क्या है? आप जो स्टिंग ऑपरेशन कर रहे हैं उसका मतलब क्या है? और ये स्टिंग ओरिजिनल है, उसको सर्टिफिकेट कौन देगा? आपका क्या देश का कानून का ऊपर भरोसा नहीं है? आप स्टिंग ऑपरेशन किया उसका मतलब यही है, आप किसी को बसाना चाहते हैं, नहीं तो आप कानून का ऊपर छोड़ देता था। सुप्रीम कोर्ट ने आपको क्या बोला?
कि एक व्यक्ति के लिए आप क्यों ये हमारा कोर्ट में आया है। मेरा प्रश्न दीदी को है कि एक व्यक्ति के लिए आप स्टिंग ऑपरेशन भी करेगा? आपका वो शेख साहब आपका इतना प्यारा हो गया, उनके लिए आप सब कुछ करने के लिए रेडी है? आप न्याय दीजिए, सीबीआई इंक्वायरी करेगा, गलत होगा तो गलत, सच होगा तो सच, लेकिन आप बीच में क्यों पड़ा हुआ है? शेख शाहजहां आज बोला है कि आगे देखिए क्या होता है। आगे क्या देखिए? वो चैलेंज कर रहा है माताओं को, बहनों को चैलेंज कर रहा है। हमारा देश का दुर्भाग्य है कि ममता बनर्जी जैसा सीएम होने का कारण शेख शाहजहां भी बोल सकता है आगे देखिए क्या होगा। अगर असम में ये सब बोलते थे ना, अभी तक हिसाब भी बराबर हो जाता। अरविंद केजरीवाल और ममता बनर्जी ने कहा है कि चुनाव में इस बार कुछ फायदा होगा। अरविंद केजरीवाल का वो बेल है, कोर्ट ने बोला है आप ऑफिस में भी मत जाओ, फाइल में भी मत साइन करो, 21 दिन में जाओ, फिर 1 जून को लौट के आओ। कोई जिसका भी रेस्पेक्ट है, जिसका भी प्रेस्टीज है, ऐसा बेल में बाहर ही नहीं होगा। क्यों जाए, क्यों हो जाएगा बाहर? सुप्रीम कोर्ट में जो कंडीशन दिया है वो कंडीशन में कोई भी सेल्फ रेस्पेक्टेड लोग वो बेल को स्वीकार करेगा ही नहीं। वो सुप्रीम कोर्ट को पोलाइटली बोल देते थे बहुत बहुत धन्यवाद, आपने बेल दिया लेकिन हमको बाहर नहीं जाना है। इंडिया जोड़ को तो सुविधा होगा ना, 3 साल मुख्यमंत्री हो गया आज में, काम किए आप वहाँ के 3 साल में? हमने पूरा असम को ट्रांसफॉर्म कर दिया। एक समय आज असम में हर दिन बॉम्ब ब्लास्ट फायरिंग होते थे, आज असम का देश का एक नंबर शांतिपूर्ण प्रदेश हो गया। पूरा नया हमारा पूरा नया एजेंडा है। अभी तो सेमीकंडक्टर से लेके असम में उद्योग का बहुत नया एनवायरमेंट क्रिएट हुआ है, असम को आगे लेके जाना है। लेकिन हमारा तो मन यही है कि बंगाल आगे बढ़े, हम असम बंगाल से सीखे। अब देखिए बंगाल में बड़ा घोटाला तो यही है कि असम मेघालय से बंगाल में डीजल और पेट्रोल का दाम क्यों ज्यादा है? असम और मेघालय इतना छोटे प्रदेश है, उससे भी पश्चिम बंगाल में डीजल और पेट्रोल का दाम क्यों ज्यादा है? बंगाल का लोगों को ममता बनर्जी को क्वेश्चन करना चाहिए। अगर असम में सरकारी कर्मचारी को 50% डीए मिलता है तो बंगाल का सरकारी कर्मचारी को क्यों 14% डीए मिलता है? आप लोगों को क्वेश्चन करना चाहिए। हम लोग ने 1 लाख नौकरी दिया, एक भी हाईकोर्ट भी नहीं हुआ, लेकिन आपने 26,000 नौकरी दिया, पूरा रुपया का रुपया किसी का घर में बरामद हो गया। तो ये प्रदेश एक कवि गुरु का प्रदेश है, श्यामा प्रसाद मुखर्जी का प्रदेश है। ये प्रदेश आपको क्या है शेख, क्या नाम बताया था, शेख शाहजहां का प्रदेश मत बनाइए। ये कवि गुरु का प्रदेश है, ये बंकिम चट्टोपाध्याय का प्रदेश है, ये श्यामा प्रसाद मुखर्जी का प्रदेश है, ये शेख वाला प्रदेश मत बनाइए। देखिए हमारा तो ट्रीटमेंट अलग ही कर देता हूँ, संदेश खाली होने से तो हमारा फटाफट 26 घंटा में ट्रीटमेंट हो जाते थे, लेकिन सर हमारा ट्रीटमेंट डिले नहीं होता है। बंगाल में सर किस तरह के हिंदुओं को संदेश खाली बोल रहे हैं, बंगाल का ये जो घटना हो रहा है बोल रहे हैं, मणिपुर का क्यों नहीं बोल रहे? अरे हम असम का सीएम है, जब मणिपुर जाऊंगा मणिपुर का भी बात बोलूंगा। अभी तो मैं बंगाल आया हूँ, मुझको बंगाल का बात बोलना है, जब मणिपुर जाऊंगा मणिपुर का बात बोलूंगा। एनआरसी होना भी नहीं चाहिए, एनआरसी किसने बोला है? हम तो सीएल आया हूँ। एनआरसी का तो दर ममता दीदी लोगों को दिखा रहा है, एनआरसी का तो कई बात ही नहीं है। जो अमित शाह जी ने लाया वो सीए लाया, हिंदू को सिटीजनशिप देने के लिए बिल ले आया, ये किसी का सिटीजनशिप लेने वाला एक कानून है ही नहीं, बोल रहा है।
तो क्रॉस हो जाएगा इस पर जो हवा, लेकिन आपके जो बीजेपी के संगठन में जो अभी बार बार अंतर कला देखने को मिल रहा है, वो कोई सब नरेंद्र मोदी को देख के वोट देता है। हम लोगों का क्या है, वो तो मोदी जी का नाम में वोट होता है, मोदी जी को वोट देते हैं। अच्छा, ये एसएससी स्कैम जो सुप्रीम कोर्ट में, ये तो इस बार तो ऐसा आया हूँ, बाद में एक बार आना है। श्यामा प्रसाद मुखर्जी का भूमि है, फिर लोकेश दीदी बनेगा सांसद, एक बार मुझको ऐसे आना है। क्या इसका फायदा बीजेपी को यहाँ मिलेगा? देखिए, फायदा नहीं चाहिए, स्कैम नहीं होना चाहिए। हमें क्यों फायदा चाहिए स्कैम से? हमें कोई स्कैम से फायदा नहीं चाहिए। हमारा यही बोलना है कि बंगाल में कोई स्कैम ही नहीं होना चाहिए, यही हमारा मांग है। स्कैम से हमें क्यों फायदा लेना? कह रही है चुनाव आया इसलिए ये सारी कार्रवाई। अरे, ये 3 साल से हो रहा है, 10 साल से हो रहा है, बंगाल में जो हो रहा है, ये पैसा भी कोई किसी ने जो एजुकेशन मिनिस्टर का घर में, उनका गर्लफ्रेंड का घर में या कोई फ्रेंड का घर में पैसा बरामद हुआ, वो क्या आकाश से आया? बंगाल का लोगों से उठाया तभी तो घर से बरामद हुआ। कई जिलों में हिंदू अल्पसंख्यक होते जा रहे हैं। दुख का बात है, ये बहुत दुख का बात है, ये दुख का बात है, चिंता का बात है। और हर दिन हमें चिंता होता है कि असम और बंगाल में जो डेमोग्राफी चेंज हो रहा है, ये हम लोग को बहुत चिंता देते हैं। तो गंगोत्री वहाँ के मंदिर बनेगा, सारसा सीट मोदी जी को दीजिए, कृष्ण जन्मभूमि भी भगवान कर दे, ज्ञान बापी का जगह में मंदिर भी बना दे। ये तो हमारा, हम तो ऊपर वाला को प्रार्थना ही कर सकता हूँ, बाकी तो कानून बनाना का काम प्रधानमंत्री जी का है। चलिए, সবাই মিলে করতালি দিয়ে আমরা ওনাকে অভিনন্দন জ্ঞাপন করব। ধন্যবাদ সবাইকে, জোরে হাততালি হোক আমাদের আসামের মুখ্যমন্ত্রী হিমন্ত বিশ্ব শর্মা মহাশয়জি। আমরা ওনাকে প্রধান বক্তা হিসেবে পেয়েছি, ওনার মূল্যবান বক্তব্য আমাদের সামনে তুলে ধরবেন। ধন্যবাদ। आप लोग कैसा है? सब ठीक ठाक है? बढ़िया है, समय भालो। चलिए मेरा साथ बोलिए, भारत माता के, भारत माता के। एकदम बहुत बड़ा जूझ है, लोकेश दीदी जीतने वाला है, जीतने वाला है कि नहीं? एकदम जीतने वाला है ना? चलिए, हमारे बीच में विराजमान हमारे केंद्र सरकार में हमारे मंत्री जितेंद्र सिंह जी, राहुल सिन्हा जी, लोकेश चटर्जी जी, दीपांजन गोहा जी, मनोज पांडे जी, तुषार मजूमदार जी, मंच में उपस्थित हमारे सारे नेतागण, भाइयों बहनों माताओं और पिताओं, चाहिए संभव है तो 500 ही सीट चाहिए हमें, लेकिन इस बार तो हम सारसा से शुरू करना चाहता हूँ। बोला सारसा सीट क्यों चाहिए? हमें तो अभी राम मंदिर बनाया, कृष्ण जन्मभूमि तो बनाना बाकी है ना, कृष्ण जन्मभूमि तो बनाना है ना, ज्ञान बापी में मस्जिद का जगह में भगवान शिव जी का मंदिर भी तो बनाना है ना, तो हमें सारसा सीट चाहिए कि नहीं चाहिए? हमारा देश में यूनिफॉर्म सिविल कोड आना चाहिए कि नहीं चाहिए? तो हमें तो 400 सीट भी कम हो जाते हैं। ये कांग्रेस वाला राहुल जी और प्रियंका जी पूछते हैं 400 सीट आपको क्यों चाहिए? अरे हमें 400 सीट नहीं, हमें 500 सीट चाहिए, लेकिन इस बार हमने 400 का कोटा रखा हो, अगली बार 500 तक भी चला जाऊंगा, चिंता मत करो, हमारा वो ताकत है और हम वहां तक भी जाके पहुंचेगा। भाई और बहनों, आज आप लोग देखिए, बाबा साहेब अंबेडकर जी ने संविधान बनाया, संविधान में बोला शेड्यूल कास्ट का रिजर्वेशन होगा, शेड्यूल ट्राइब का रिजर्वेशन होगा, ओबीसी का रिजर्वेशन होगा। संविधान में कहीं भी बोला है क्या मुसलमान का रिजर्वेशन होगा? कहीं में लिखा हुआ है क्या मुसलमान का रिजर्वेशन होगा? लेकिन आज टीएमसी का सरकार में ओबीसी कोटा में मुसलमान को रिजर्वेशन 110 रुपया कम से कम, लेकिन असम में पेट्रोल का कीमत है
96 रुपीस पश्चिम बंगाल में कितना है 103 रुपया और असम में कितना है 96 रुपया। फिर आगे जाके आप उत्तर प्रदेश में खबर कीजिए पेट्रोल का कीमत है 94 रुपीस। फिर आगे जाके हरियाणा में खबर कीजिए 95 रुपया। मतलब क्या है, जहां जहां मोदी जी का सरकार है वहां वहां पेट्रोल का कीमत 6 से 7 रुपया कम है। अभी ममता दीदी ये जो 6 रुपया 7 रुपया हमसे ले रहा है एक्स्ट्रा टैक्स, वो क्यों ले रहा है हमें पूछना चाहिए कि नहीं चाहिए? ममता दीदी को पूछना चाहिए कि नहीं चाहिए? अगर असम में पेट्रोल का दाम 96 रुपया होता है, अगर शिलांग में पेट्रोल का दाम 95 रुपया होता है, तब हुबली और कलकत्ता में पेट्रोल का दाम 103 रुपया क्यों होना चाहिए? होना चाहिए क्या? फिर मैंने, मेरा साथ पुलिस ड्यूटी में था, मैंने पुलिस को पूछा कि आपको डीए कितना परसेंट मिलता है? पुलिस वाले ने बोला कि पहले तो 10% मिलता था, अभी 60% इजाफा हुआ, मतलब 16% हुआ। तो मैं फिर इलेक्ट्रिक सर्कुलर किया मेरा, इसलिए जब पश्चिम बंगाल का सरकारी कर्मचारी को 16% डीए मिलता है और असम में सरकारी कर्मचारी को 50% डीए मिलता है, आप लोग हिसाब कीजिए, यहां में सरकारी कर्मचारी को अगर 16 रुपया तनख्वाह मिलता है, असम में 50 रुपया तनख्वाह मिलता है, नौकरी एक ही है, काम एक ही है, जॉब एक ही है। इसलिए कारण ममता दी अपना भतीजा को छोड़ के और किसको, कोई भी किसी को कुछ देना ही नहीं चाहते हैं, खाली जो भी देना है अभिषेक को ही देना है और किसी को देना नहीं है और देने का उनका मन भी नहीं है। अभी अभी मेरा आज 10 मई है, एग्जैक्टली 3 साल पहले 10 मई में मैं असम का मुख्यमंत्री बना। जब मैं सीएम का शहर में बैठा, मोदी जी मुझको बोला कि हिमंत तुमको 1 लाख नौकरी देना है 1 साल में। थोड़ा मैंने थोड़ा पहले तो डरा कि 1 साल नौकरी, 1 लाख नौकरी मैं कैसे दूं, लेकिन हिम्मत किया, मोदी जी है तो मुमकिन है, तो 1 साल में हम लोगों ने 1 लाख नौकरी दे दिया। कोई केसेस नहीं हुआ, हाईकोर्ट में भी केस नहीं हुआ, कुछ भी नहीं हुआ, आराम से असम में 1 लाख नौकरी पहला साल में ही हमने दे दिया। बंगाल में 23,000 टीचर का नौकरी हुआ, पैसा कहां मिला? एजुकेशन मिनिस्टर का घर में मिला, 30 करोड़ 40 करोड़। मतलब यहां में एक शिक्षक का नौकरी लेने के लिए भी पैसा देना पड़ता है, घोष देना पड़ता है, लेकिन जहां जहां में भी मोदी जी का सरकार है नौकरी के लिए किसी को 1 पैसा भी देना नहीं पड़ता है, 1 पैसा देना नहीं पड़ता है। आज ममता जी का यहां में सरकार को रिजर्वेशन देता है, आज ओबीसी का कोटे में कर्नाटक में मुसलमान को रिजर्वेशन देता है, वो बंद करना चाहिए कि नहीं चाहिए? मुसलमान का रिजर्वेशन बंद होना चाहिए कि नहीं चाहिए? इसलिए भारत में धर्म का आधार में रिजर्वेशन हो ही नहीं सकता, भारत में धर्म का आधार में रिजर्वेशन होना पाप है, हो ही नहीं सकता है। तो ये जो धर्म का नाम में रिजर्वेशन हुआ है उनको भी बंद करने के लिए हमें मोदी जी को 400 सीट देना चाहिए कि नहीं चाहिए? 400 सीट देना चाहिए कि नहीं चाहिए? लोकेट दीदी को जिताना चाहिए कि नहीं चाहिए? चाहिए कि नहीं चाहिए? ये लोकेट दीदी जीतेगा तब भी तो जाके मोदी जी का हाथ मजबूत होगा, मोदी जी का हाथ मजबूत करना है कि नहीं? अगर आप लोग मोदी जी का हाथ मजबूत नहीं करते थे, क्या राम मंदिर बनते थे? आप लोगों ने मोदी जी को ताकत दिया पश्चिम बंगाल में, लास्ट चुनाव में मोदी जी को ताकत दिया, इसलिए राम जन्मभूमि बना,
इस बार आप लोग हमको 30 सीट दीजिए, हमें कृष्ण जन्मभूमि भी हमें बना के दिखाऊंगा। आप हमें 30 सीट दीजिए और देना चाहिए भाई और बहन। चुनाव का बात पास से बातचीत भी होगा तो ममता के भी क्या सरकार बना पाएगा भारत में? सरकार बनेगा क्या? सरकार किसका बनेगा? मोदी जी का बनेगा, नरेंद्र मोदी जी का बनेगा। और नरेंद्र मोदी जी का सरकार बनाने में हमें 700 सीट का लक्ष्य है और भरतपुर उसमें एक होना चाहिए। होना कि नहीं होना पक्का है। पहले मैं थोड़ा सा सुबह सुबह जब मैं कलकत्ता आया, मेरा एक आदत है कि थोड़ा हम आसान कितना पीछे चल रहा है। मैं हमेशा ट्राई करता हूं कि हमारा प्रदेश छोटे हैं, आसाम इतना छोटा प्रदेश, हमारा आसाम बंगाल से कितना पीछे है। मैं हमेशा इसको मापने का कोशिश करता हूं। काल में उड़ीसा में भी था, मेरा मन में यह होता है कि हम तो एक छोटे प्रदेश है, बहुत तरक्की हो रहा है बंगाल में, तो क्या क्या तरक्की कर रहा है थोड़ा उनका बारे में थोड़ा खबर पर लेना और मैं जाके थोड़ा कुछ अगर आसाम में सुधार कर सकता हूं वो हमारे लिए अच्छा होते हैं। तो मैं सुबह जब गाड़ी में बैठा, मैंने पहले ड्राइवर भाई को पूछा, भाई साहब कलकत्ता में पेट्रोल का लीटर कितना है? बोला 103 रुपया। मैं थोड़ा सा मेरा शौक हो गया, मैं दोबारा पूछा कितना लीटर है पेट्रोल का कलकत्ता में? उन्होंने बोला 103 रुपया। फिर मैंने गुवाहाटी में मैं फोन किया था, थोड़ा मेरा गलती हो रहा है, गुवाहाटी में पेट्रोल का लीटर कितना है? तो मेरा अधिकारी ने उसको बताया कि गुवाहाटी में पेट्रोल का लीटर 96 रुपीज है। मतलब आप लोग कलकत्ता में हर दिन बीबी को कितना रुपया एक्स्ट्रा टैक्स देता है? क्या 7 रुपया का टैक्स, 6 रुपया का टैक्स? आप लोग स्कूटर में भी पेट्रोल भराते हो, ऑटो में पेट्रोल भराते हो, गाड़ी में पेट्रोल भराते हो, बीबी टैक्स कितना रुपया हो जाता है? 6 से 7 रुपया वो बीबी टैक्स लग जाते हैं। लेकिन होना क्या चाहिए था? बंगाल में अगर 103 रुपया पेट्रोल का कीमत होते हैं तो गुवाहाटी में कितना होना चाहिए? कम से कम 110 रुपया होना चाहिए था। लेकिन ये तो उल्टा हो रहा। क्यों उल्टा हो रहा? किसलिए? आसाम में मोदी का डबल इंजन का सरकार चल रहा है, इसलिए ये कहानी अलग है। फिर मेरे पास ड्यूटी देने के लिए बंगाल पुलिस का जो जवान है वो था, मैंने पूछा आपके सरकारी कर्मचारी को डीए कितना रुपया मिलते हैं? बोलते सर हमारा 10% डीए था, थोड़ा दिन पहले 4% डीए बढ़ा, अभी हमारा डीए 14% हुआ। मैं बोला भाई ठीक से बोलो। बोले नहीं, हमारा बंगाल का सरकारी कर्मचारी को डीए कितना रुपया का मिलता है? 14%। फिर आसाम में कितना मिल सकता है आपको थोड़ा अंदाज लगाइए। आसाम में हमारा सरकारी कर्मचारी को डीए मिलता है 50%। पश्चिम बंगाल में
सीएम का शपथ लिया तो मोदी जी ने मुझको बोला था कि हिमंत पहला साल में 1,00,000 सरकारी कर्मचारी को युवाओं को नौकरी देना है, 1,00,000 युवाओं को नौकरी देना है, तो बहुत बड़ा टारगेट थे। आसाम में बहुत ही छोटे प्रदेश है, 1,00,000 लोगों को 1 साल में नौकरी देना मेरे लिए असंभव जैसा काम था, लेकिन मोदी जी का आशीर्वाद रहा और मैंने 1 साल में 1,00,000 युवाओं को मैंने नौकरी देने का काम कंप्लीट किया। बीबी बोल सकता है कि असम का सीएम झूठ बोल के दिया, आप लोग गूगल भी कीजिए और आप लोग कंप्यूटर भी देखिए, आप लोग कंप्यूटर कीजिए व्हाट इज द पेट्रोल प्राइस इन गुवाहाटी टुडे एंड व्हाट इज द पेट्रोल प्राइस इन कलकत्ता टुडे, ये तो कंप्यूटर में रहता है, गूगल में रहता है, मैं तो झूठ भी नहीं बोल सकता हूं। लेकिन 1,00,000 का नौकरी हुआ, 3 साल भी उसमें 40,000 शिक्षक का नियुक्ति हुआ, 1 भी हाईकोर्ट का केस भी नहीं हुआ, सुप्रीम कोर्ट का केस भी नहीं हुआ और मेरा असम का कोई मंत्री का घर से कोई नोट भी बरामद नहीं हुआ। यहां तो मैंने देखा टीवी में नोट का बंदी का ऊपर ही बंदी, और वो बंदी कहां से किया था, वो बंदी किससे कलेक्ट हुआ था, जिसका घर में नौकरी भी नहीं है, किसी ने जमीन सेल करके घर का जो जमीन है वो सेल करके पैसा दिया था नौकरी के लिए, किसी ने अपना मां का ज्वेलरी बंधक रखते हुए वो पैसा गिरवी रखते हुए वो पैसा दिया था कि हमें नौकरी मिले, किया अपना जनता के ऊपर ही पुलिस का अत्याचार करो, गुंडाबाजी करो, अपना मां बहन के ऊपर संदेश खाली का तैयार करो, ऐसा ही आपका काम है। आप बंगाल के साथ, पश्चिम बंगाल के साथ आप न्याय नहीं कर रहा है, आप जो भी कर रहा है आप अन्याय कर रहा है। हर दिन में आप प्रधानमंत्री जी को गाली देते हो, प्रधानमंत्री जी ने क्या नहीं किया भारत के लिए, भारत का गरीबों को वो बिना पैसा में अनाज देते हैं, भारत का गरीबों को क्या करता है, उन्होंने ट्रीटमेंट के लिए भारत का सारी लोगों को आयुष्मान भारत का सुविधा देते हैं। आज पूरे विश्व में भारत को विश्वगुरु बनाने का काम मोदी जी कर रहा है। ममता जी बोलते हैं मैं लक्ष्मी भंडार देता हूं, ममता जी उसमें भी आप आसान से फेल है, आप 1,000 रुपया देते हो मैं 1,250 रुपया देता, आप उसमें भी आप फेल है। मेरा प्रदेश क्या है, छोटे प्रदेश है, लेकिन मैं आसाम में भी लक्ष्मी भंडार हर माताओं को 1,250 रुपया देता हूं, बंगाल में तो कम से कम 2,000 रुपया देना चाहिए था कि नहीं चाहिए था 2,000 रुपया। आप 1,000 रुपया देते हो एक हाथ से, दूसरे हाथ से पेट्रोल डीजल का भाव बढ़ाकर दूसरे हाथ से लेके चला जाते हैं, एक हाथ से आप 1,000 रुपया देते हो, दूसरे हाथ से आप 2,000 रुपया का चूना लगा देते हो, ये कैसा सरकार है, ऐसा सरकार चलाने का क्या फायदा है। आज बार बार आप बोलते हो, आप मोदी जी का खिलाफ करते हो, आप मोदी जी का खिलाफ करने से पश्चिम बंगला का इंप्रूवमेंट नहीं होगा, ये भारत का एक बहुत बड़ा पवित्र भूमि है, ये भूमि तप का भूमि है, ये बहुत बड़ा भूमि है, जब बंगाल में बीजेपी का सरकार बन जाएगा ना साथ साथ भारत भी विश्वगुरु बन जाएगा, इसलिए पश्चिम बंगाल का पास इतना ताकत है, एक बार पश्चिम बंगाल में दोबारा देश प्रेम का लहर चल जाते हैं।
भी केस हो, जो भी गड़बड़ी हो, कहीं ना कहीं उसका रूप, उसका मूल पश्चिम बंगाल बंगाल से आ जाते हैं। हमारा लोग शांति प्रिय है, हमारा लोग तरक्की करना चाहते हैं, हमारा लोग कंट्रीब्यूट करना चाहते हैं, लेकिन तृणमूल कांग्रेस ने पश्चिम बंगाल का पॉलिटिकल सिस्टम ऐसे बना के रखा हुआ है कि इसमें हमारा कोई आज अच्छा सपना देखने का संभावना हमारा सामने नहीं। भाई और बहनों, मोदी जी का साथ हमें खड़ा होना चाहिए। हो गया ये गुंडागिरी, तोड़ाबाजी जो भी है, हो गया, लेकिन आज हमें मोदी जी का साथ खड़ा होना चाहिए। आप दिया, आपने बंगाल को गुंडाई जिम दिया, आपने बंगाल को सब कुछ दिया जो बंगाल का इतिहास नहीं था। अब आपका क्या जरूरत है? तृणमूल कांग्रेस इतना बड़ा पार्टी है, आप अपना भतीजा को ही बनाना है आपका पीछे, ये कैसे आपका रूल है? क्या बाकी लोगों के लिए आपका प्यार नहीं है? बाकी लोगों के लिए आपका मोहब्बत नहीं है? ऐसा क्या क्वालिटी है कि आपका और आपका भतीजा का ही फतेह रहेगा बंगाल में और कोई परिवार का यहां में फोटोग्राफ नहीं रहेगा? क्या कमी है बंगाल का जनता में? क्या कमी है? कुछ भी तो कमी नहीं है, लेकिन आज बंगाल में आप आओ, आप एयरपोर्ट से खाली दोनों ही फोटो बिखेगा, ममता भी और अभी से दोनों ही फोटो, जैसे बंगाल में और कोई है ही नहीं, पश्चिम बंगाल में और कोई है ही नहीं है, खाली दो व्यक्ति का ही राज चल रहा है। ये परिवारवाद का राजनीति ये देश का शिकार नहीं है। अगर परिवारवाद का राजनीति करना था तो गांधी जी ने कर चुका होता था। अगर परिवारवाद का राजनीति होता था, ये राजनीति देश में हर प्रदेश में होता था, लेकिन ये ठीक नहीं है। परिवारवाद का राजनीति से देश आगे नहीं बढ़ते हैं। आज तृणमूल कांग्रेस ने परिवारवाद का राजनीति किया, दिल्ली में राहुल बाबा और प्रियंका जो करते हैं, यहां में ममता दीदी और अभी से वही कर लेते हैं। आप लोगों का आज राम मंदिर का उद्घाटन हो गया, कोई आप एक दिन भी नहीं सुनेगा कि ममता दीदी बोलेगा एक बार मैं राम मंदिर दर्शन के लिए जाऊंगा। कोई मन ही नहीं है, राम में भी मन नहीं है, किसी में मन नहीं है, खाली एक ही मन है, जैसे तैसे पावर में रहना और हमारा पश्चिम बंगाल का सर्वनाश करना। उनका एक ही मतो है, उसका आगे और कोई मतो नहीं। भाई और बहनों, हमें मोदी जी को ताकत देना है। भारत माता के जय श्री राम, जय श्री राम, जय जय।